आश्रित गांव नवागांव के महानदी घाट का ठेका खत्म हुए सालों से अधिक समय हो गया है। रेत घाट की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद भी रेत माफिया धड़ल्ले से उत्खनन कर रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक रेत माफिया ट्रैक्टर से अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। रोजाना रेत माफियाओं के द्वारा नवागांव महानदी के रेत घाट से 50 से भी अधिक ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं ऐसा ट्रैक्टर जो बिना नंबर प्लेट के यातायात अधिकारियों को ठेंगा दिखाकर फराटे मार रहा है, जिससे महानदी पूरी तरह से बेजान नजर आने लगी है। रेत माफिया अवैध उत्खनन कर मनमानी कीमतों पर रेत बेच रहे हैं और लाखों रुपए की काली कमाई कर रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक रेत से ओवरलोड ट्रैक्टर गांव की सड़कों पर फराटे भर रहे हैं। सड़क पर ट्रैक्टरों से पानी के साथ ही रेत बहकर गिरते हुए जाता है। सड़क पर फैले रेत एवं गड्ढे के कारण आए दिन हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन ना तो खनिज विभाग और राजस्व विभाग द्वारा न ही जिला प्रशासन द्वारा रेत माफियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई नहीं होने से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। उमाशंकर साहू की रिपोर्ट।